सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ये जो घड़ी देख रहे हैं और ये एक कमाल की घड़ी है। इस वक्त हमारी घड़ियों में मदीना मुनव्वरा पे तकरीबन रात के 3:35 हुए हैं और इस घड़ी में 10:10 बाकी है। तो ये क्या राज है, ये कैसी घड़ी है जो मस्जिद नबवी शरीफ में है? ये इल्म-ए-तौकीद के हिसाब से है। मैं इंशाल्लाह इसकी तफसील आपको मज़ीद बताता हूँ। पहले आप इस घड़ी को देख लें और इस घड़ी में होने वाले टाइम को देख लें और इस वक्त हमारी घड़ी में जो वक्त हो रहा है वो भी देख लें। तो बताया ये जाता है कि ये जो घड़ी है मस्जिद नबवी शरीफ में जब मग़रिब का वक्त होता है तो इस पे 12 बजते हैं। यानी दुनिया में तारीख़ तब्दील होने के बहुत सारे तरीके हैं जिस पे एक रात 12 बजे तारीख़ तब्दील होती है। इस्लामी तारीख़ जो है मग़रिब के वक्त, ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त तब्दील होती है। तो कुछ अर्सा पहले, हम कह सकते हैं 50-60 साल पहले या 100 साल पहले, सारी मस्जिद नबवी शरीफ की घड़ियाँ ऐसी थीं और इसके औकात कार भी लोगों ऐसे ही चलते थे। यानी 12 बजे मग़रिब का वक्त होता था, यानी तारीख़ तब्दील होती थी। उसके ठीक 1.5 घंटे के बाद इशा की नमाज यहाँ होती थी, यानी इस घड़ी के मुताबिक 1:30 बजे। और लोग इस तरह ही औकात कार अपने तय करते थे। माशाल्लाह मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला के साथ जो लोग रहते थे वो बताते थे कि वहाँ 3:30 जब रात की घड़ी में बजते थे तो महफिल शुरू होती थी। यानी उसका मतलब ये होता था कि मग़रिब यानी ग़ुरूब आफ़ताब के ठीक 3.5 घंटे बाद, या दूसरे लफ्ज़ों में इशा के ठीक 2 घंटे बाद। तो ये बड़ी मेरे लिए भी यूनिक बात थी। फिर मैंने यहाँ के जो पुराने अहले मदीना थे उनसे मालूमात की कि ये अब यादगार के तौर पर रखी गई है। बहरहाल ये अनोखी चीज़ थी मेरे लिए भी, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसको वीडियो बना ली जाए।